हेलो फ्रेंड्स, आज मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ पालक पनीर पराठा की रेसिपी। ये एक हेल्दी पराठा है और टेस्टी पराठा है। जाड़ों में बनाइए तो बहुत अच्छा लगता है खाने में। और साथ में मैं बना रही हूँ टमाटर की खट्टी मीठी चटनी। और ये हेल्दी और आसान रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। उसके लिए लिया है हमने एक मुट्ठी भर पालक, यानी कि छोटा बंच हमने पालक का लिया है। और बहुत अच्छी तरह से वॉश कर लिया है हमने दो तीन पानी। इसकी पत्तियां हम एक तरफ तोड़ लेते हैं और डंठल को निकाल देते हैं। जब अगर नरम डंठल है तो उसे आप रख लीजिए। उसके साथ हमने लिया है थोड़ा सा बथुआ का साग। तो बथुआ का साग भी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके भी पत्ते हम तोड़ लेंगे और डंठल को डिस्कार्ड कर देंगे, क्योंकि डंठल बथुआ के थोड़े से कड़े हो तो सख्त होते हैं। थोड़ी सी धनिया की पत्ती भी ऐड करेंगे। एक पैन में ले लिया है, एक चुटकी भर नमक डालेंगे और अब इसे ढक करके लो फ्लेम पर हम 5 मिनट तक कुक करेंगे। चूँकि साग का अपना पानी है, उसी पानी में ये अच्छी तरह से कुक हो जाएगा। तो 5 मिनट के बाद हम खोलते हैं। साग हमारा अच्छी तरह से कुक हो चुका है और इसमें पानी भी बहुत ज़्यादा नहीं नज़र आ रहा है। तो अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे, स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। चलिए अब कुछ और काम कर लेते हैं। ये हमारा पेस्ट बनके तैयार हो गया है, इसे एक साइड रखते हैं। अब हमने लिया है 2 कप गेहूं का आटा और 1 टीस्पून हमने अजवाइन लिया है हाथों से क्रश करके, जैसे मैं हमेशा की तरह डालती हूँ मैं डाल दूंगी। और 1/2 चम्मच हम नमक ऐड करेंगे, क्योंकि नमक हमने पालक में भी डाला है। तो अभी हम आटा में नमक थोड़ा सा कम मिलाएंगे, अपना टेस्ट के हिसाब से जो भी हमारा टेस्ट हो उससे थोड़ा सा कम मिलाएंगे। और अब पालक के पेस्ट को ऐड कर देते हैं। हाथों से पहले क्रम्बल करेंगे, क्योंकि पेस्ट और आटा अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये देखिए, तो पहले हम क्रम्बल कर लेंगे और हमें इसमें मोइन वगैरह डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हमें एक नरम आटा बनाना है, वैसे ही आटा जैसे कि हम रोज़ाना रोटियों के लिए बनाते हैं। और फ्रेंड्स, मैं आपने हमेशा आपके साथ ये शेयर किया है कि जब भी भरवा पराठे बनाने हो तो आटा थोड़ा सा नरम बनाएं, सख्त आटा ना लगाएं। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम एक इसका नरम आटा गूंध लेंगे। तो पहले तो हम आटा को कंबाइन कर लेंगे और कंबाइन करने के बाद अब हम इसे हल्का हल्का पानी का छींटा दे के गूंधेंगे, कम से कम 3-4 मिनट तक। तो आटा हमारा बहुत अच्छी तरह स्मूथ टेक्सचर में आ गया है। इसे एक बाउल में रख देते हैं या आप किसी भी बर्तन में रख लीजिए। ऊपर से थोड़ा सा तेल लगा के अब इसे हम ढक देंगे और ढक के कम से कम 20 मिनट छोड़ेंगे। अब हमने 4 टमाटर ले लिए हैं अपनी चटनी बनाने के लिए। तो ये पके हुए अच्छे टमाटर हैं, इन्हें बीच से हाफ कर लेंगे। और ये खट्टी मीठी सी चटनी बड़ी आसान सी और बड़ी मज़ेदार सी बनती है, ख़ासतौर से बच्चों को बहुत पसंद आती है। अब टमाटर के ऊपर वाले थोड़े से हरे और सख्त जो हिस्से हैं उसको हल्के हल्के थोड़ा सा काट के निकाल देते हैं। तो ये लीजिए, ये टमाटर भी हमारे कट के तैयार हो चुके हैं। एक पैन गर्म करके 1 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे और 1/2 टीस्पून ज़ीरा डालेंगे। जब ज़ीरा चटकने लगे तो थोड़ा सा हम इसे हल्का सा हिला लेंगे और अब ऐड कर देंगे हम अपने टमाटरों को। देखिए जिस तरह से मैं रखती जा रही हूँ ना, कि वो सॉफ्ट वाला हिस्सा नीचे की तरफ है तो उसी तरह रखिएगा, यानी स्किन वाला हिस्सा ऊपर की तरफ है। तो टमाटर को मैं पैन में इस तरह से डाल देना है। चुटकी भर नमक डालूंगी और फिर इसे कवर करके हमें इसे कुक करना है लो फ्लेम पर। चूँकि टमाटर का अपना पानी है तो उसी में कुक हो जाएगा। तो टमाटर का अपना पानी भी निकल के सूख चुका है और टमाटर हमारे बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि स्किन को ऊपर से हटा लेंगे। तो इसी तरह से हमने स्किन वाले हिस्से को ऊपर इसीलिए रखा था ताकि स्किन हटाने में आसानी हो। तो ये लीजिए, हमने सारे टमाटरों के स्किन हटा लिए हैं। अब इसे स्पैचुला से थोड़ा सा मैश कर देंगे और चूँकि टमाटर बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं तो आसानी से मैश हो गया। अब हम डाल देंगे 1/2 चम्मच
ज़ीरा पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, चौथाई चम्मच सौंठ पाउडर यानी अदरक पाउडर और 2-3 चम्मच हम नमक चीनी का डालेंगे इसमें। चूँकि हम खट्टी मीठी चटनी बना रहे हैं तो हल्का सा इसमें मिठास भी रहेगा और नमक चूँकि डाला है तो थोड़ा सा हल्का सा नमकीन भी रहेगा और टमाटर का अपना खट्टापन होता है जिसकी वजह से हमारी चटनी खट्टी मीठी तैयार होगी। अब हम आधा कप पानी डालेंगे और थोड़ा सा और कुक कर लेंगे क्योंकि मसाले वगैरह हमने डाले हैं ना तो कच्चा कच्चा मज़ा नहीं आना चाहिए। बस 1-2 मिनट कुक करके ये हमारी खट्टी मीठी टमाटर की चटनी तैयार हो गई है। इधर हमने 150 ग्राम पनीर को ग्रेट कर लिया था, आप चाहे तो ग्रेट कर लें या क्रम्बल कर लें। अब डालते हैं आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच आमचूर पाउडर और 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी को भी डाल देंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और 1 छोटा टुकड़ा अदरक का चॉप करके डालेंगे, 1 हरी मिर्च चॉप करके डालेंगे, धनिया की पत्ती तो ज़रूर जाएगी फ्रेंड्स क्योंकि स्टफिंग में धनिया की पत्ती ना हो तो मज़ा नहीं आता। और 1 छोटे प्याज को हमने चॉप कर लिया है बारीक बारीक। उसके अलावा 1 चम्मच नमक डाल देंगे या जो भी आपका टेस्ट है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल लीजिए, सब कुछ मिक्स कर लेंगे। तो ये हो गई तैयार हमारी स्टफिंग यानी पनीर स्टफिंग तैयार है। इधर हमारा आटा भी बहुत अच्छी तरह से तैयार हो चुका है, बहुत अच्छी तरह से सेट हुआ है, ये ऊपर उसका टेक्सचर ही बता रहा है। तो हल्का सा इसे हम 1-2 मिनट के लिए फिर से गूंथते हैं और अब इसकी लोइयाँ काट लेंगे। तो हम एक बॉल साइज़ का लोई 1 बराबर काटते हैं, आप चाहें तो अपने हिसाब से छोटा बड़ा पराठा बना सकते हैं। अब 1 लोई हमने लिया है, अब इसे बेलेंगे। बेलने से पहले थोड़ा सूखा आटा लगा लीजिए और बड़ी आसानी से बेलेगा ये हमारा पराठा यानी रोटी। तो बड़ी सेक रोटी बना के 2 टेबल स्पून हम डालेंगे स्टफिंग, ज़्यादा स्टफिंग मत डालिएगा फ्रेंड्स वरना पराठे इधर उधर से फटने लगेंगे। तो 2 टेबल स्टफिंग पनीर के डालने के बाद इस तरह से फोल्ड करते हैं। तो ये फोल्डिंग का तरीका मैं पहले भी आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, ये बहुत ईजी तरीका है और बिगनर्स के लिए तो मत पूछिए, कुछ भी नहीं है, बड़ी आसानी से वो बना सकते हैं। फोल्ड करके इस तरह से हल्का सा प्रेस करेंगे हाथों से और सूखा आटा लगा करके, और अब हम बेलन से हल्के हाथों से बेलेंगे, बहुत ज़्यादा प्रेशर मत लगाइएगा। और चूँकि भरवा पराठे हमेशा हल्के हाथों से ले जाते हैं, तो इस तरह से आज हम चकोर पराठे बना रहे हैं। और चकोर पराठे बनाने का एक रीज़न ये भी है कि हमारे घर में ये पराठा पसंद किया जाता है। तो पराठा तैयार हो गया है, अब तवा को गर्म करके मीडियम हॉट तवा पर पराठा को डालेंगे और अलट पलट के हम इसे पहले कुक कर लेंगे दोनों साइड से। जब दोनों साइड से कुक हो जाए तो फिर हम ऑयल डालेंगे, हमने ऑयल डाला, आप चाहे तो घी भी डाल सकते हैं। तो ऑयल या घी में या फिर बटर में भी आप इसे फ्राई कर सकते हैं। ये देखिए कितने अच्छे लेयर, ये देखिए लेयर निकल के आ रहे हैं और पराठा कितना अच्छा फूल रहा है हमारा। तो फूला फूला पालक पनीर का पराठा हमारा बन के तैयार, और ये देखिए कितनी अच्छी सी लेयरिंग निकल रही, खाने में तो बस मज़ा ही आ जाएगा। बस जाड़ों का टाइम है और गरम गरम पराठे खाने में बहुत मज़ा आता है, और चूँकि पालक और पनीर है हेल्दी है टेस्टी है, बहुत डिलीशियस पराठे बन के तैयार हो गए हमारे। ये देखिए दूसरा पराठा भी हमारा इसी तरह से फूल रहा है, तो इसका मतलब है कि स्टफिंग अच्छी है तो हमारे पराठे भी सॉफ्ट बने हैं। तो हमारा पालक पनीर पराठा रेडी है। अब ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ इतना सॉफ्ट है, अगर ये सॉफ्ट नहीं होता तो टूटता बीच में से, बहुत आसानी से ये मुड़ जा रहा है। और ये इसकी परतें देखिए कितना खुल के आ रही हैं। अब अंदर से मैं आपको दिखाती हूँ कि इनके अंदर की फिलिंग कैसी है, तो फिलिंग भी बहुत लाजवाब है, बहुत इवनली भरी है। तो पनीर प्याज सब कुछ मिक्स है, आइए सर्व कर लेते हैं। तो हमने सर्व किया अपनी चटनी के साथ टमाटर की खट्टी मीठी चटनी और साथ में ये हमारा मज़ेदार पराठा। ये देखिए कितना अच्छा तैयार हुआ है और ये चटनी के साथ बहुत अच्छा मज़ा देता है। आप चाहें तो अचार वगैरह भी ले सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, बहुत डिलीशियस बन के तैयार हुआ है। तो आप भी ट्राई कीजिए, घर में आपको पसंद आएगा, अपने ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं, नाश्ते में शाम के टाइम ले सकते हैं या टिफ़िन में दे सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक लाइक दे दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं इसी तरह की इनोवेटिव रेसिपीज़ लेके आती रहती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि घर में रखे हुए सामान से ही हमारी रेसिपी बन जाए और कोई नई चीज़ भी आपके सामने ला सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।